सतना में सीएम शिवराज बोले कांग्रेस को बेटों को स्थापित करने की चिंता, दिग्गी कमलनाथ को बताया श्याम और छेनू की जोड़ी। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सतना प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को फिर आड़े हाथ लिया। शिवराज ने कहा कि विपक्ष का INDIA गठबंधन बिखर गया है, कांग्रेस सिर्फ अपनी और अपने नेताओं के परिवारों की ही चिंता कर रही है। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि कांग्रेस को बाकी दलों की चिंता नहीं है, गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस भी बिखरी हुई है और बिखरी कांग्रेस मध्य प्रदेश का क्या भला करेगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस में सिर्फ परिवारों की चिंता हो रही है, कांग्रेस के नेता अपने पुत्रों को स्थापित करने में लगे हैं। सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को स्थापित करने का प्रयास कर रही है तो कमलनाथ अपने बेटे को। कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ तो टिकट भी बांट रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी अपने बेटे को स्थापित करने के लिए परेशान है। पर्दे के पीछे कांग्रेस बिखरी हुई है। हालत यह है कि सफाई देकर बताना पड़ रहा है कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता तो जय बिरू की जोड़ी बता रहे हैं, जबकि ये जोड़ी अब मेरे अपने फिल्म की श्याम और छेनू की वो जोड़ी है जो अपने अपने ही मोहल्ले में कब्जे के लिए लड़ते हैं। भाजपा की सरकार बनने से पहले विंद ने कांग्रेस को सब कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस ने विंद को कुछ नहीं दिया। विकास की दृष्टि से विंद को पिछड़ा रखने का पाप कांग्रेस ने किया है। विंद का जितना भी विकास हुआ है वह भाजपा की सरकार में हुआ है और हम इसका हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हमने विंद का विकास किया है और आगे की भी योजना हमने बनाई है। हम रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, अनूपपुर, सतना में ग्लोबल स्केल पार्क बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश की 15 लाख बहनों को लखपति बनाया है, उनकी आय को प्रतिमाह 10,000 तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।